अभी अपन को दिख जाए भगवान तो अपन सब कामों को भूल जाएंगे कि नहीं? भूल जाएंगे? बताओ मैया, भूल जाएंगे कि नहीं? बताओ सब लोग, भगवान दिख जाएंगे तो सब कामों को भूल जाएंगे कि नहीं? सब भूलो ना भूलो, लेकिन एक चीज जरूर याद करो, भगवान बड़े तरन में मिले लिया। अरे हरदी पांव पखाल ले, इनके पांव पर है, बस एक कृपा कर दियो। बोले का तुम्हारे जावे के बाद दशक किलो, कम से कम दस नहीं बीसक किलो, बीसक नहीं पे बीस से उड़ांगे, तीसक किलो नहीं नहीं एक क्विंटल नहीं नहीं पांच क्विंटल कम से कम धन छोड़ जाए जो हमारे लाने आओ। आदमी कलयुग का इतना स्वार्थी है कि भगवान को चंदन भी चढ़ाएगा तो चंदन भी स्वार्थ में चढ़ाएगा। चंदन चढ़ने के बाद बात नहीं हुई तो दो तीन मंगल के बाद सुना देगा, हमने तुम्हारा इतना काम किया, हम मर गए भंसारे से, चार बजे जग जग के मर गए, तुम्हारे मुड़ी पे हमने पानी डालो, तुम्हें सपराओ बाजार से दो दो सौ की तो तुम्हें कपड़ा पहनाए, और तुमने हमारा काम नहीं करो, अब नहीं करने तुम्हारी पूजा। आज का आदमी बड़ा स्वार्थी है, खुद खाएगा पनीर रोटी और भगवान को खिलाएगा क्या? भगवान को खिलाएगा लालची दानी, और क्या कहेगा? भगवान सुन नहीं रहा, खुश सोएगा रजाई में, भगवान को फटाफटाया चद्दर दे देगा, खुश सोएगा एसी में, भगवान को नहीं देगा देसी का पंखा ही नहीं देगा। अब बता भगवान कहां से सुनने, चूल्हा सुनने तुम्हारी तुम्हें? अब बताओ ये तो सही बात है, हम आपके घर में जाएं, आप खाओ पनीर की भाजी और हम खाएं सूखी चटनी, हम तो मन ही मन सोचेंगे कि अगर लाइट चली जाए तो कुट्टम कुट्टाई करके दौड़ मार दो। इसलिए अगर तुम्हें भगवान मिलता है, अगर तुम्हें ईश्वर, देखो ईश्वर अंश जीव अविनाश, रामचरितमानस कह रहा है ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर में अंश है जीव अविनाशी है, अविनाशत्व भाव में है। मेरी एक बात को मानो, भगवान आपके साथ कहीं नहीं गया, लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि तुम दुनिया में तो लगा दोगे, लेकिन भगवान में लगाने की बार दस बार सोचोगे, दे कि ना दे, दे नहीं 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 नहीं, 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 नहीं रख लो रख, ये भगवान की माया है, और भगवान जिससे लगवाते हैं वो भगवान की नजरों में सबसे बड़ा बिल्ला होता है, जिससे भगवान धन को लगवाने का काम करते हैं। हर किसी का धन भगवान नहीं छूते, हर किसी का पैसा भगवान नहीं छूते, और आप लोग विश्वास मानो, मैं व्यास गति को साक्षी मान के कहता हूं, हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए, हमें आज तक ये पता ही नहीं कि पैसा कहाँ से आता है कहाँ को जाता है, बस हमें तो ये पता है कि कार्यक्रम शुरू हो जाता है और भव्य रूप से ही होकर के चला जाता है, ये भगवान की कृपा है।